बागली विधानसभा में जैसे जैसे गुलाबी ठंड दस्तक दे रही है, सियासी पारा वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। दोनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशी घर घर पहुंचकर मतदाताओं से रूबरू होकर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सतवास तहसील के काटाफोड़ सेक्टर में भाजपा प्रत्याशी मुरली भवरा ने अपनी जीत का दम भरते हुए जिनवानी, डहरी, बेड़गांव, अकलेरा सहित तमाम गाँवों में तूफानी जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष महेश दुबे, जिला महामंत्री भूपेन्द्र सिंह बग्गा, मंडल अध्यक्ष सुनील पटेल के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी मुरली भवरा ने मीडिया के सवालों के बेबाकी से जवाब भी दिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल भोसले ने गोदना, सिंगोड़ी, जिनवानी, सुरम्या, रातड़ी आदि गाँवों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर अपनी जीत की हुंकार भरी। कांग्रेस प्रत्याशी के जनसंपर्क में पीसीसी मनोज हुलानी, प्रदेश प्रवक्ता निर्मल पुरोहित, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजाराम यादव सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रचार में आप स्वयं लोग प्रत्यक्ष जहां जहां भी हम जा रहे हैं, मीडिया समस्त चीज़ें गौर कर रही है और देख भी रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल रहा है और किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं लोगों तक पहुँच रही है। भाई साहब, जैसे अपने दीपक जोशी जी कांग्रेस का जामन थाम लिया तो उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के प्रति निष्ठावान रहता है और जिस पार्टी के पास निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी मजबूत और सशक्त होती है। तो यहाँ हमारे यहाँ पार्टी व्यक्ति आधारित नहीं रहती, संगठन आधारित रहती है और संगठन के प्रति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान है, निष्ठावान रहेगा। बागली के लोग जो जिले को लेकर मामला उठा रहे थे, देखो बागली जिला बनना आवश्यक है, इससे रोजगार के संसाधन आवश्यक होंगे और मूलभूत चीज़ें जो हैं बागली में उपलब्ध होंगी और इससे जो आसपास के अंचलों को बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं बागली के लिए प्रतिबद्ध हूँ, बागली जिला बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो बागली जरूर जिला बनेगा और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। सतवा से हरिओम तिवारी की रिपोर्ट।